और अब खबरों विस्तार से। योगी सरकार के मंत्री रविवार को आईआईएम लखनऊ पहुंचे। वे यहां सुशासन प्रबंधन नेतृत्व कौशल व जनभागीदारी का पाठ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और पूछेंगे भी। शाम तक इस सिलसिले के साथ ही कुछ किताबें, प्रबंधन साहित्य और कुछ होमवर्क लेकर अगले चरण के लिए घर लौटेंगे। यूपी में पहली बार किसी सरकार ने अपने राजनीतिक नेतृत्व की दक्षता के लिए देश के श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान में शुमार आईआईएम के प्रशिक्षण लेने का फैसला किया है। दरअसल मंत्रियों से बेहतर परिणाम और पुराने को अपडेट करने के लिए योगी सरकार की पहल। आईआईएम ने 3 दिन का विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल मंथन तैयार किया है। अगले 3 रविवार योगी सरकार के मंत्री इस मंथन सत्र का हिस्सा बनेंगे। सभी मंत्रियों को सीएम कार्यालय पर उपस्थित होने को कहा गया था। इसके बाद सीएम समेत सभी जो मंत्री हैं बसों से आईआईएम के लिए रवाना हुए और सीएम सहित 56 मंत्रियों के लिए 4 बसों का इंतजाम किया गया था। पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल सेशन का सीएम उद्घाटन करेंगे, उसके बाद शाम 6 बजे तक अलग अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। दूसरा सत्र 15 सितंबर को होगा और तीसरा सत्र 22 सितंबर को होगा। और आपको बता दें, योगी सरकार के मंत्री सभी आईआईएम लखनऊ पहुंचे। सुशासन प्रबंधन नेतृत्व कौशल व जनभागीदारी का यहां पर पाठ पढ़ेंगे और यह पहली बार हो रहा है कि जब मंत्री पहुंचे हैं कुछ सीखने के लिए। आपको बता दें कि अगले 3 रविवार तक सरकार के मंत्री यहां पर इस मंथन सत्र का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ यहां पर जो दूसरा सत्र है 15 सितंबर और तीसरा सत्र 22 सितंबर होगा, जहां पर ये सीखेंगे भी और पूछेंगे भी। आपको बता दें कि यहां पर उनके सुशासन प्रबंधन नेतृत्व कौशल व जनभागीदारी का ये पाठ पढ़ेंगे। आईआईएम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और यहां पर योगी समेत और उनके मंत्री पहुंचे और यहां पर अब वो सुशासन प्रबंधन और नेतृत्व कौशल व जनभागीदारी का पाठ पढ़ेंगे।